नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम की सुप्रीम पावर मजलिस शूरा एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक दूसरे तीसरे चरण के साथ ही संपन्न हो गई। मजलिस शूरा बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई तो वह निश्चित तौर पर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने 22 फरवरी को सहारनपुर डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र को पत्र भेजकर दारुल उलूम के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश दिए थे। इसमें दारुल उलूम की वेबसाइट पर वर्ष 2015 में लिए गए एक फतवा का जिक्र करते हुए कहा गया कि दारुल उलूम ने कस्बाए हिंद को लेकर जो जवाब दिया है वह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। मामले में स्थानीय अधिकारियों ने दारुल उलूम प्रबंधन से उनका पक्ष जाना था। मुद्दे को लेकर दारुल उलूम की सुप्रीम पावर मजलिस शूरा की बैठक में भी मंथन किया गया। शूरा सदस्यों ने प्रशासन को भेजे जवाब पर सहमति जताई है। कहाँ टूटा है? नीतीश कुमार चले गए, बस नीतीश कुमार ही गए, दूसरा कौन गया? बीच में लग रहा था कि टूट रहा है, लेकिन अखिलेश भी वापस आ गए, ममता भी वापस आ गई, आम आदमी का पार्टी भी वापस आ गया, शरद पवार और शिवसेना वाले भी वापस आ गए, तो गया कौन? शादी का रजिस्ट्रेशन, हाँ वही चाइल्ड मैरिज एक्ट 1935 का कानून था, अंग्रेजों का बना हुआ, लेकिन उसके बाद 1996 में मनमोहन सिंह जी ने एक नया मैरिज एक्ट बनाया, उसके अंदर संशोधन किया, तो वो इन लोगों ने बताया नहीं, बल्कि बीजेपी को बताना ही नहीं था। उनको तो मुसलमानों पर हमला करना था कि 6 साल की 8 साल की बच्चियों की शादी करते हैं, तो हमारे लोगों ने चैलेंज किया। और सबसे बड़ा उस दिन टकराव जो हुआ हमारे यूडीएफ के साथ ही हुआ, और यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर ने, जानबूझ के हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि ये ऑल इंडिया में वायरल हो, भाई तुझे आसाम में सब कुछ करना है तो ऑल इंडिया में क्यों वायरल हो, मकसद था कि उसको ग्राफ मोदी जी के यहाँ और अमित शाह के यहाँ ग्राफ बढ़ाना था। देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं जब तक आपने वहाँ विरोध किया जिंदा, हमारी पार्टी ने सबसे ज़्यादा विरोध किया, वॉकआउट किया, उसके बाद बाहर गए और महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठे। पहले जब कहा कि 22 तारीख से 26 तारीख तक कोई मुसलमान सफ़र ना करे, चाहे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कहीं कहीं घटना होती है तो लोग अपने घरों में रहें, अल्लाह अल्लाह करें ताकि मुल्क में शांति रहे। इसके ऊपर मेरे ऊपर बाकायदा इंक्वायरी दी थी उन्होंने कि ये मुल्क में फसाद कराना चाहते हैं, और जहाँ तक उनको जाना था उन्होंने बात की, तो कभी कभी हालात से मजबूर आदमी होता है। हाल ही में एक आपकी वीडियो वायरल हुई है जी, अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जी, आपने श्री राम को भी भगवान बताया। श्री राम भगवान कहाँ बताया यार, मेहमान बताया। हाँ नहीं नहीं, मेहमान जो बाहर से आने वाले, हाँ जो बाहर का, इसीलिए वही मैं कह रहा हूँ। इसमें बहुत सारे लोगों ने इस चीज पे आपत्ति भी उठाई है, उठाते हैं। देखो कुछ तो लोग कहेंगे, अल्लाह उस्तानवी साहब को भी माफ करे और मुझे भी माफ करे, और जो मेरी चेमगुइयां कर रहे हैं उनको भी माफ करे। मेरी कब्र में जिस दिन वो आ जाएंगे ना, उनको पता चलेगा कब्र के अंदर क्या होता है। इसलिए हर आदमी को अपने कब्र की फिक्र है और कब्र में सबको जाना है। बस कुछ नहीं हुआ है, एक साथ में सारे मामला पूछ लोगे कैसे बोलूंगा, तो एनसीपी गवर्नमेंट, हाँ शुरू में बातचीत हुई है और मुहतमिन साहब ने जो जवाब दिया है यहाँ के डीएम को और दूसरे लोगों को, उससे शूरा बहुत मुतमईन है कि जितना जवाब सही देना था उन्होंने दे दिया, हमारे दारुल की तरफ से दे दिया गया। अब वो शांत अगर नहीं होते हैं या उनको मुतमईन नहीं होते हैं तो वो कोर्ट में जाएंगे, हमारे लोग भी कोर्ट में जाएंगे, उसमें क्या बात है। तो इसमें अगर एफआईआर अगर दर्ज होती है तो दारुल क्या करेगा? तो दारुल कोर्ट में जाएगा, उसको चैलेंज का मुकाबला करेगा, उसके क्या बात है। नहीं, हाल ही में मौलाना महमूद मरदी का बहुत सख्त बयान आया एनसीपी 4 के अध्यक्ष के खिलाफ, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे नहीं मालूम, मुझे देखिए महमूद मंदी साहब यहाँ के नहीं पूरे मुल्क के कदावर नेता है, हम लोग चिपिद्दी चिपिद्दी के शोरबा है, क्या किसी को बताइए। तो दारुलूम में हम आते हैं, आप लोग की मोहब्बत है तो आप लोग जानते हैं हमको, नहीं तो आसाम से पड़े रहते कौन हमें जानता था। तो इसलिए उन्होंने जो भी कहा वो अपनी जगह पर सही है, और जो दारुलूम ने जवाब दिया वो भी अपनी जगह पर सही है कि इसके बाद भी अगर कुछ होगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर। हलचल इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।